खुशियों के लिए भेजते हैं, खुशियों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, खुशियों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, खुशियों की घड़ी आए तो बच्चे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आते। जब माँ के जनाजे पे दोबारा पढ़ूं, खुशियों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, खुशियों की घड़ी आए तो बच्चे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आते। लेकिन वही माँ उन बच्चों से कहती है, घर से परदेश निकला कोई लड़का, कोई लड़का जब घर से परदेश निकला तो अपने अजीजों ने लिख कर ये भेजा, मेरे वास्ते तू फला चीज लाना, ये फरमाइश है इन्हें ना भुलाना। मगर माँ ये लिखती है कुछ भी न लाए, मगर माँ ये लिखती है कुछ भी न लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, 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 मेरा सादगी प्यार मुरव्वत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, हश्र में साया रहमत को तरस जाओगे। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, वरना माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। मतलब सुन ले, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख़ ना बना।
बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है। माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। इनकी ममता ने बहर हाल संभाला तुझको, किस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको, ऐसे होते हैं जो शादी से पहले वालदैन के होते हैं, माँ बाप के होते हैं, क्योंकि माँ अंधी हो, माफ कीजिए बेटा अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, गोरा हो, काला हो, कैसा भी हो, माँ बाप को अपनी औलाद से अच्छी औलाद, कैशियर साहब, माँ बाप को अपनी औलाद से अच्छी औलाद किसी की नहीं लगती। दूसरे की चाहे कितनी ही खूबसूरत हो, वो बेटा उनके साथ दगा करे, अच्छा करे, माँ बाप हमेशा अच्छा करते हैं, समाप्त करें। जब भी देखा तो तुझे, जब भी देखा तो तुझे प्यार से देखा माने, सूरत में पिलाया माने, पूरे दिल दूध की सूरत में पिलाया माने, हर मुसीबत से बचाया ये करम है कि नहीं, मुसीबत से बचाया ये करम है कि नहीं, बोलना तुझको सिखाया ये करम है कि नहीं, पता तुझे पता, अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, बाप के बेटे रहते हैं, लेकिन 5% या 3% इस तरह के भी हालात हैं कि अपनी बीवी के भी हो जाते हैं, लेकिन बीवी का होना कोई गलत नहीं, एक हद तक
वालदैन एक ऐसी नेमत है कि अगर एक बार चली गई, मुनव्वर राणा कहते हैं कि चंद लम्हात हमें और संभालो बेटे, फिर गए हम तो मैसर नहीं होने वाले। बीवी दूसरी आ सकती है, बच्चे हो सकते हैं दूसरे, लेकिन माँ बाप एक ही है। तो इसलिए मेरी इल्तजा है जो अपने वालदैन जिनके कायम हैं, अल्लाह उनकी उम्र में दराजियाँ अता फरमाए, वो अपने वालदैन की, अपने माँ बाप की खिदमत करें। जितना खिदमत करेंगे वो उतना ही इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल मैं हूँ आप लोगों के सामने। ये जो भी कुछ हूँ मैं अपने वालदैन की दुआओं से हूँ, मेरे दामन में जो भी कुछ है सब उनकी दुआएं हैं, मखदूम पाक का सदका है, वरना मैं कुछ भी नहीं। हकीकत है ये। चार मिसरे सुने, बड़े अच्छे मौजू पे याद आए हैं। जरूरी है खंजर हिफाजत की खातिर, दुआओं का तुम आसरा लेके निकलो, ये माना के जिंदा नहीं मां तुम्हारी, पड़ोसी की मां से दुआ लेके निकलो। तब जो जाऊंगा, मां बहुत बड़ी नेमत है, माँ ही नहीं बाप भी। लोग अगर माँ के साथ वफा करें और बाप को वफादारी से ना देखें तो वो भी गलत है, क्योंकि माँ अगर जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर बाप से आप बदकलामी करेंगे तो दाखिल नहीं हो सकते जन्नत में, और अगर बाप से प्यार करेंगे और माँ से, तो दरवाजे से अंदर ही आएंगे फिर बाहर हो जाएंगे, क्या फायदा। तो इसलिए मेरी इल्तजा है, जो भी नौजवान बच्चे हैं और उनके वालदैन जिंदा हैं, तो अपने वालदैन की खिदमत करें, बड़ी मेहरबानी होगी। तवज्जो दें। बीवी के आते ही चलने लगी नफरत की हवा, आते ही चलने लगी नफरत की हवा, तुझको बर्बाद ना कर दे ये अदावत की हवा, को भी काला तूने, ये पाजा वरना खुदा भी ना तुझे बख्शेगा, पाजा वरना खुदा भी ना बख्शेगा, पाजा वरना खुदा भी ना तुझे बख्शेगा। अपने माँ बाप का तू आखिरी बन समाज फरमा ले, अगर वालदैन के साथ अच्छा करेंगे तो दुनिया में ही अच्छा होगा, और बुरा करेंगे तो तेरे बेटे भी कहाँ गालियाँ देंगे तुझको, अच्छा करने पे ये भी तेरी ही तरह रोटियाँ देंगे तुझको, बुरा करेंगे तो उल्टा वैसा ही होगा। तेरे बेटे भी कहाँ रोटियां देंगे तुझको, तेरे बेटे भी कहाँ रोटियां देंगे तुझको, ये भी तेरी ही तरह गालियां देंगे तुझको, ये भी तेरी ही तरह गालियां देंगे तुझको, इनसे अच्छी नहीं देखी कोई सूरत ऐसा।